ना तो आप अपना चेहरा दिखाना चाहते हो, ना ही आप अपनी वॉइस देना चाहते हो, और आप ये भी चाहते हो कि जो भी कंटेंट आप बनाएं वो आपका खुद का ही रहे, आपको कोई कॉपीराइट इशू भी ना आए, और आप अपने चैनल को मोनेटाइज भी करवाना चाहते हो। सो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ, अगर आप चेहरा नहीं दिखा सकते, आप अपनी वॉइस नहीं दे सकते, तो आप कैसा चैनल बना सकते हैं। एक नहीं बहुत सारे चैनल आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप किसी भी एज के हो सकते हो, स्टूडेंट हो सकते हो, बच्चे हो सकते हो, या आप इंडिविजुअल हो सकते हो, चाहे आप एक लेडीज हो, चाहे आप एक लड़का हो, आपके लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाली है, तो ध्यान से देखना आपको इस वीडियो को। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं लेडीज की। अगर आप एक लेडीज इस वीडियो को देख रहे हो तो आप कौन कौन से चैनल बना सकते हैं, किस टाइप के बना सकते हैं विदाउट वॉइस विदाउट फेस, ठीक है। तो पहला जो हमारी कैटेगरी है वो है कुकिंग की। अगर आप एक लेडीज हो तो आपके लिए कुकिंग का चैनल बेस्ट रहेगा। आपको अपनी वॉइस भी नहीं देनी, सिर्फ आपको अपने हाथों की क्रिएटिविटी दिखानी है, यानी कि आपकी वीडियो में आपके हाथ दिखने चाहिए। देखो यहाँ पर थोड़े थोड़े जैसे मेरे दिख रहे हैं, चाहे आपके इतने ही दिखें, ठीक है। आप कुछ ना कुछ ऐसे करते एक वीडियो शूट कीजिए, उसमें जो थोड़ी एडिटिंग अच्छी खासी कर दीजिए, जो देखने में अंगेजिंग लगे, तो आप एक ऐसा चैनल बनाकर मोनेटाइज करवा सकते हो विदाउट फेस विदाउट वॉइस। तो इसके बाद आप एक मेहंदी का चैनल भी बना सकते हो। मेहंदी वाले जो वीडियोस होते हैं बहुत चलते हैं, उसमें आपको वॉइस नहीं देनी पड़ेगी, उसमें भी सिर्फ आपको अपने हाथों की क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी। यहाँ पर आपको YouTube पर एक चैनल मिलेगा, यी जे मेहंदी डिजाइन, इस चैनल को आप देख सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने ना तो अपना चेहरा दिखाया हुआ है, ना वॉइस दी हुई है, मेहंदी का एक डिजाइन है, और उसके बाद इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक लगाकर अपलोड करते हैं। तो बाकी सब्सक्राइबर बेस आप देख लीजिए इनका कितना अच्छा खासा है, ठीक है। तो उसके बाद तीसरे नंबर पर आप क्या कर सकते हो, आप एक क्राफ्ट का चैनल भी बना सकते हो, जिसमें आप अपने हाथों की क्रिएटिविटी दिखा सकते हो। कुछ भी आप कागज गत्ता या किसी कोई भी चीज ऐसी ले लीजिए जिससे आप कुछ क्रिएटिव दिखा सको विदाउट फेस विदाउट वॉइस, ऐसा चैनल आप बना सकते हो। उसके बाद बात आती है स्टूडेंट्स। अगर आप एक स्टूडेंट्स हो तो आप अपने जो भी क्लास में पढ़ते हो उसका कोई सिलेबस या कुछ आप पोएम ऐसे स्टोरी कुछ भी ऐसा जो आप अपनी हैंडराइटिंग के साथ दिखा सकते हो। कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो भी डाली थी, उसमें हैंडराइटिंग वाले चैनल दिखाए थे। बस आपको अपनी हैंडराइटिंग है जो वो अच्छी करनी है, उसका एक वीडियो शूट कीजिए, बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड कीजिए और अपलोड कर दीजिए। तो दोस्तों अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप ऐसा चैनल बना सकते हो। तो उसके बाद बात आती है कारपेंटर। अगर आप एक कारपेंटर हो तो आप लकड़ी के द्वारा कुछ भी ऐसा आप क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं अपने हाथों की क्रिएटिविटी से। बस जो भी मैं आपको कह रहा हूँ इसमें आपके हाथों की क्रिएटिविटी जरूर चाहिए, चाहे आप इतने इतने आपके हाथ देखें, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ आप करते अपना क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। आप लकड़ी का कोई काम करते हैं, आप वैसे कोई जॉब करते हैं कोई भी, तो आप अपने हाथों की क्रिएटिविटी से चैनल बना सकते हैं। आपको वॉइस नहीं देनी पड़ेगी, आपको चेहरा नहीं दिखाना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके बाद बात आती है पेंटर। अगर आप एक पेंटर हो तो आप किस तरीके का घर में किसी के वहां पर आप कलर कर रहे हो तो आप शूट कर लीजिए, कोई अच्छा आप डिजाइन क्रिएट कर रहे हो उसका आप एक शूट कर सकते हैं और उसी को अपलोड कर सकते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ। और आप पेंटिंग भी बनाकर दिखा सकते हो, ड्राइंग दिखा सकते हो, ऐसा कुछ भी कॉन्टेंट, उसमें आपको एडिटिंग थोड़ी अच्छी कर देनी है, कलर ग्रेडिंग वगैरह कर आपको अपलोड करना है, ठीक है। तो ये हो गया पेंटर्स के लिए। और इसके बाद बात आती है मैकेनिक। आप किसी भी टाइप के मैकेनिक हो सकते हैं, बाइक रिपेयर कार रिपेयर किसी भी तरीके के मैकेनिक हो सकते हैं, आपको बस शूट करना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको शूट करना है आपके जो हाथों की क्रिएटिविटी है वो दिखनी चाहिए। बस अगर आपके हाथों की क्रिएटिविटी दिख रही है आपका चैनल मोनेटाइज होगा ही होगा, आपको वॉइस देने की जरूरत नहीं है, आपको चेहरा दिखाने की जरूरत नहीं है। तो देखो ये कुछ चैनल आइडिया मैंने दिए हैं आपको, आपके काम आ जाएंगे। अगर आप आज से ही वॉइस नहीं भी देना चाहते तो आज से ही चैनल स्टार्ट कर दीजिए। और हाँ अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी फीडबैक आपको जरूर देना है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है सो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही कॉन्टेंट के लिए चैनल को